जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, त्योहारों का सीजन चल रहा है। ट्रेन से यात्रा करने वाले अधिकतर रेल यात्रियों के पास वेटिंग या फिर आरएसी वाला टिकट होगा और वो सब लोग अपने टिकट के कंफर्म होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत से लोगों के तो टिकट कंफर्म भी नहीं होते हैं। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में, क्या है 2022 के नियम, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब बात चल रही है टिकट बुकिंग की, तो जब हम लोग आरएसी या वेटिंग वाला टिकट बुक करते हैं तो हर दिन उसका स्टेटस देखना पड़ता है या फिर हर अल्टरनेट डेज पर हम लोग उसका पीएनआर स्टेटस देखते रहते हैं कि मेरा आरएसी या वेटिंग वाला टिकट कितना घटा। लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि ये टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, कोई अगर आपको गारंटी दे दे कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा तो कैसा होगा? जी हाँ, मैं आपको रेलोफाई ऐप की नई फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ। रेलोफाई ऐप IRCTC का प्रीमियम पार्टनर ऐप है। इस ऐप का एक नया फीचर आया हुआ है, ट्रेवल गारंटी। ट्रेवल गारंटी से आपका अगर टिकट वेटिंग या फिर आरएसी में है तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग आपको ट्रेवल गारंटी देंगे। बुकिंग के दौरान आपसे छोटा सा प्रीमियम लिया जाएगा। मैं आपको अमाउंट इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग अमाउंट हो सकता है। कोई छोटी डिस्टेंस में यात्रा कर रहा होगा, कोई बड़े डिस्टेंस में यात्रा कर रहा होगा, तो हर आदमी का प्रीमियम अलग हो सकता है। अगर आप रेलोफाई से अपना टिकट बुक करते हैं और ट्रैवल गारंटी वाला ऑप्शन लेते हैं और चार्टिंग के वक्त आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है या फिर आपका टिकट आरएसी में रह गया, लंबी दूरी वाली यात्रा है और आप सोच रहे हो आरएसी में मैं यात्रा करना नहीं चाहता हूँ, तो आपको अपना टिकट कैंसिल करना होगा। जैसे ही आप अपना टिकट कैंसिल करेंगे तो रेलोफाई वाले आपको 3,000 रुपये इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। दोस्तों, ये सबसे अच्छा फीचर है रेलोफाई का। अभी तक हम लोग अपना टिकट बुक करते थे, वेटिंग में रह गया, आरएसी में रह गया, टिकट हमको कैंसिल करना पड़ता था, कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अगर आप इस ऐप के थ्रू अपना टिकट बुक करते हो तो कम से कम 3,000 रुपये तो आपको वापस मिल ही जाएंगे, अगर आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। रेलोफाई ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अपना टिकट रेलोफाई से बुक करते हो और ट्रैवल गारंटी वाला ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपको 3,000 रुपये का इंस्टेंट फ़ायदा होगा। तुरंत जाइए, रेलोफाई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों, हम लोग अपने इस वीडियो के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि अगर आप विदाउट टिकट या फिर वेटिंग लिस्ट वाला जो ऑनलाइन वाला टिकट होता है उसको लेकर अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी कितना देना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, मान लीजिए आपका किराया 500 रुपये का था, अगर आप कन्फर्म टिकट लेते तो 500 रुपये देने पड़ते, लेकिन आपने टिकट ही नहीं लिया है तो आपको 500 रुपये जो आपका किराया बनता है वो देना पड़ेगा और साथ ही में आपको उतना ही पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब जस्ट डबल आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तब आपको एक रसीद मिल जाएगी और उस रसीद पर आप यात्रा कर पाएंगे अगर आप पकड़े जाते हैं तो। अगर आप ऑनलाइन वाला वेटिंग टिकट लेकर जाते हो, चार्ट बनने के टाइम पर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, आपने पीएनआर में भी देख लिया, फिर भी आप इमरजेंसी है, ज़रूरी है यात्रा करना और आप यात्रा करने जा रहे हैं, तो उस दौरान भी आपको डबल पेनल्टी देना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन वाले टिकट का सिस्टम ये होता है, अगर चार्ट बन गया, टिकट वेटिंग में है, तो ऑटोमेटिक पैसा 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आप अगर उस टिकट को लेकर यात्रा करने जाएंगे तो आपको विदाउट टिकट ही माना जाएगा, जितने का आपका टिकट होगा उसका जस्ट डबल आपको पेनल्टी देना पड़ेगा यात्रा के दौरान। दोस्तों, ये थे नियम जो आपको यात्रा के दौरान ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी के रूप में मोटा अमाउंट देना पड़ सकता है रेलवे को। फिलहाल दोस्तों, अगर रेलोफाई से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ट्रैवल गारंटी कैसे बुक कर सकते हैं, अगर इस पर एक पूरा वीडियो चाहते हैं, डेडिकेटेड वीडियो, तो कमेंट करके बताइएगा। आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि ट्रैवल गारंटी पर खुद मैं आपको पूरा एक वीडियो करके दिखा दूँ, बुक करके टिकट दिखा दूँ कि कैसे बुक किया जाता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।